हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माना दे ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो फिलहाल मंडे मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए बुक भी पढ़ लिया, सारा काम कंप्लीट कर लिया और अभी चलते हैं बाहर। और आज सोमवार है इसलिए पहले तो मंदिर जाएंगे, शिव जी का दर्शन करेंगे ताकि माइंड पूरा फ्रेश हो सके। सो मंदिर पे थोड़ी देर टाइम बिताएंगे और उनके बाद जाएंगे ऑफिस। और अभी बारिश हो रही थी बाहर, तो देखते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो एक्टिवा लेके जाएंगे, अगर बारिश हो रही है तो बड़ी गाड़ी लेके जाऊंगा। आज का दिन का शुरुआत करते हैं और आज के दिन का लुक कुछ इस तरीके से फॉर्मल ड्रेस में है और हेयर स्टाइल बदल गई। सो सब बदलता रहता है। फिलहाल बारिश रुक गई है तो अभी बड़ी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, एक्टिवा लेके जाएंगे। दर्शन हमने कर लिए मंदिर पे, अभी निकलते हैं डायरेक्ट ऑफिस पे। आज है स्पेशल शेक और स्पेशल शेक में जाएगा, सारी मिक्स शेक है और उसमें अभी गए हैं काजू। वाह, ए क्या बात है, सभी लोग पी रहे हैं अभी स्पेशल शेक। वेले ओपन दस बज गए हैं और सारे लोग अभी जा चुके हैं। और फिलहाल शेक बहुत ही लाजवाब था, स्पेशल शेक था तो बहुत ही मज़ा आ गया, सबको भी ये पीने का मज़ा आ गया क्योंकि अलग अलग फ्लेवर चेंज होते रहते हैं और बहुत ही स्पेशल शेक था, इसीलिए बहुत ही एंजॉयफुल रहा सबका। अभी हम जा रहे हैं बैंक में और वहां से जाएंगे नया क्लब में, काम है तो चलिए चलते हैं। अभी सारे लोग आ गए हैं काम करने वाले, सो अभी फ्लोरिंग करने की सोच रहे कि नीचे क्या कराएं, सो अभी प्लान ले रहे हैं सब चीज़ का कि कैसे कैसे क्या करें। और इधर की साइड थोड़ा जिम टाइप का बनाएंगे और इधर की साइड थोड़ा कैफे टाइप का बनाएंगे, तो ऐसा सब माहौल है, अभी देखते हैं। सो अभी यहाँ पे देखो एक गेंडी अच्छे से लग गई, नल भी लग गए हैं और अभी थोड़ा बहुत काम हो गया है। चलो तो चले, तो अभी हम जा रहे हैं पुरानी वाली ऑफिस पे और वहां से जाएंगे बैंक में। सो गाइज, आज का खर्चा आने वाले टाइम में बहुत ही देगा कमा के। एक गड्डी तो चली गई, अभी ये दूसरी गड्डी जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि अभी कितना खर्चा आएगा आई डोंट नो, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट और उनके बाद काम करके हार्ड वर्क करके वो इन्वेस्टमेंट को हम अर्निंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई अभी ये दरवाज़ा निकल जाएगा यहाँ से और अभी ये जाएगा वहाँ पे नई वाली ऑफिस में, तो सर फटाफट अभी कारीगर लोग कार्ड निकाल रहे हैं, शायद शाम तक ये पूरा दिखेगा ही नहीं, पूरा यहाँ से निकल जाएगा और खुला खुला हो गया है। खुशी पापा आ गए, पापा आ गए। सो फिलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी 1:30 बज गए, आप देख सकते हो। और कीर्ति देखो यहाँ पे आज तो कीर्ति अभी साड़ी पहन के रेडी है, आज मेरा फास्ट है, सोमवार रही हूँ, भोलेनाथ का वार रही हूँ। तो मैं तो आज नहीं सोमवार रहा हूँ, कीर्ति रह लेंगी और कीर्ति आज साड़ी पहने, वाह कैसे लग रही हूँ। कमेंट में जरूर बताना कीर्ति को साड़ी शूट कर रही है या नहीं और अच्छी लग रही है या नहीं, मुझे तो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। वो तो मैं इतनी अच्छी हूँ ना, इसलिए साड़ी मुझे अच्छी लगती है ना, खुश मम्मा अच्छी है ना, खुश किस बात का खुश हो जाते हैं पता नहीं। ओ कहाँ जा रही है खुशी, कहाँ जा रही है खुशू, कहाँ जाना है। देखो इनको नीचे जाना है, खाना आ गया ना, तो देखो भाई अभी सबसे पहले कांदा लेगा, काकड़ी लेगा। ओ खुशी, वरना पहला सबसे पहले क्या करता है, ये लेता है ऑनियन, फिर गाना चल रहा है म्यूट में और खुशी भाई खा रहे ककड़ी। खाने में है रोटी सब्जी, भिंडी की सब्जी है, रोटी है और बटर मिल्क और सलाद, जल्दी खाते हैं। क्यों आए, मैं कितनी भूखी रही, मतलब 1:30 बज गए आज मेरा फास्ट था।
इतना लेट कोई तो कीर्ति मेरी वेट कर रही थी और इसकी वजह से हमने खाना नहीं खाया था। अभी आज भोलेनाथ का दिन है, श्रावण महीना है, तो आपकी तो मुझे खाना खाने के बाद ही खाना पड़ेगा। पतिवर्ता है क्या? यस। वाह पे पार्वती जी भी पतिवर्ता मानती थी तो मुझे भी मानना पड़ेगा। वाह, पार्वती जी पतिवर्ता कर रहे थे तो कीर्ति भी कर रही है फिलहाल। गाइस 3 बज गए हैं और मैं निकल गया हूँ घर से, अभी डायरेक्ट ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पार्टीशन निकल रहे हैं सारे लोग और वो पार्टीशन को नए क्लब में ले जाना है, तो इसीलिए जल्दी निकल गया। थोड़ा सा है यहाँ पे, आ जाएगा। हाँ आ गया। कितना टाइम लगेगा आपको? हाँ तो खाना खा के आइए वहाँ पे। अभी ऑटो में थोड़ा बहुत सामान है वो भेज देते है वो दूसरी वाली शॉप में, तो वो लेके जाएगा। ये है सामान में और ये है थोड़ा बहुत, तो अभी ये सब खाली हो गया, देखो कैसा लग रहा है। तो भाई चलो सामान लेके निकल रहे हैं अभी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाते हैं। और वो मिलिट का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि थोड़ी देर रिलैक्स होवे, क्योंकि यहाँ का सामान है वहाँ ले जा रहे हैं और उनके साथ साथ में यहाँ का जो पार्टीशन है वो वहाँ पे थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे और बाकी नई चीजें डालेंगे। सो अभी ये सारी चीज कर रहे हैं क्योंकि अभी थकान भी हो रही है बहुत सारी, क्योंकि अभी सब चीज साथ में हो गई है, हमारी मीटिंग्स भी होती है और उनके साथ साथ में बहुत सारे क्लाइंट से मिलना और ये सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं। वैसे तो अभी हम ओपनिंग नहीं करने वाले हैं इतनी इमरजेंसी में, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है ना। अभी देखो ये ऑटो में जा रहा है सारा सामान और दुकान अपनी यहाँ वाली खाली हो रही है धीरे धीरे, जो कि अभी नहीं कर देंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सामान ये ऑटो में जाएगा और बाकी चीज़ हम ले जाएंगे। देखिए क्लब की हालत क्या हो गई है, वो गाना है ना, हे देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई। सो अभी थोड़ा किस तरीके से है, क्लब हो गया है तो अभी थोड़े टाइम के लिए यही सब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सामान आधा वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और आधा सामान है वो यहीं रहेगा अभी थोड़े टाइम के लिए। तो फाइनली अभी आ जाए हैं मंचूरियन खाने के लिए और पनीर चिली खाने के लिए, और ये है सतलोक भाई और ये हमारे सर जी है, और हम 3-4 दिन से इतना मस्त फॉलोअप कर रहे थे लेकिन सतलोक भाई अभी लेके आ गए हैं। सो ये वजन घटाने का नहीं, पूरा बढ़ाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। सो फिलहाल अभी उन्होंने बोला है प्रेम से, तो इसलिए अभी खाना बनता है और वजन तो हम करने का ही काम है, तो वजन तो ऐसे ही कम कर लेंगे। तो चलिए खाते हैं। सो भाई खाना हो गया है हमारा और आज तो बहुत ही हैवी हो गया, सो पेट बहुत ही फुल हो चुका है, अभी रात को भी कुछ नहीं खाया जाएगा, तो अभी चलते हैं। गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी कीर्ति पूछ रही है कि क्या खाओगे, तो मैंने बोला कि कीर्ति कब से पूछ रहे क्या खाना बनाओ क्या खाना बनाओ, तो मैं कब से फोन किया था कीर्ति ने, तो भी मैंने मना किया था मेरा मत बनाना, अभी मेरे को डाइटिंग थोड़ा करना है। सो कीर्ति को अभी तक मैंने नहीं बताया, आपने तो सब देखा हुआ है। सो मैं गया था वो सतलोक भाई और सुशील सिंह के साथ खाने के लिए, सो मंचूरियन खाया, पनीर चिली खाया, सो मजा आ गया। मंचूरियन खाया और चाउमीन खाया था कल, और आज नहीं खाना था मुझे, जबरदस्ती सतलोक भाई जो हमारे क्लाइंट ही है और वो जबरदस्ती ले गए कि बोले कि चलो चलो सर, बोले हर बार आप हमारा वजन घटाते हो लेकिन कभी कभार हमको भी वजन बढ़ाने का मौका दो। सो इसीलिए वो जबरदस्ती ले गए थे, इसीलिए हम गए और खाया पिया और बहुत ही मजा आ गया। सो फिलहाल आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारी छोटी भी पसंद आ रही है तो भी लाइक कर दीजिए।
सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आहिर व्लॉग्स. बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू.